ऑलराइट बडीज, वेलकम बैक। और अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया SBL का डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। ओके जी, देखें, हमारे पास जो है वो दो तरह के एनालिसिस पाए जाते हैं, एनालिसिस टूल्स पाए जाते हैं जिसको आप, एक होते हैं हमारे इंटरनल एनालिसिस और एक होते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस वो होते हैं जो इनसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन हो रहे होते हैं जी, इनसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए होते हैं, और एक्सटर्नल एनालिसिस वो होते हैं जो कि आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस करने के लिए होते हैं। और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टूल्स आ जाते हैं, वो पहले आ जाते हैं हमारे पास पेस्टल, फिर जी हमारे पास है पोर्टोफाइफोसिस और पोर्टस डायमंड। तो एक एक करके हम इन सबको देखते हैं। इसके बाद जी हमारे पास पोर्टस वैल्यू चेन, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज और सॉट। सॉट मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो सबसे पहले हम लोग जो हैं वो देखते हैं पेस्टल एनालिसिस को। बेसिक आइडिया जी है वो ये कि फोर्सेस मैनेजमेंट, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसके सराउंडिंग्स में जो फैक्टर्स हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है, वो कहलाते हैं जी पेस्टल। अब पेस्टल में हमारे पास कौन से, पेस्टल में जी क्या क्या आ जाता है हमारे पास? ई एस टी और ई और एल, ठीक है। पी स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिकल, एस स्टैंड फॉर सोशल, टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल, और यहाँ ऊपर लिख लेते हैं टेक्नोलॉजिकल। अच्छा, ई स्टैंड फॉर जी इकोलॉजिकल, और एल स्टैंड फॉर जी लीगल। सो एक एक करके हम लोग इनको देखते हैं। हमारे पास आ जाता है पहले पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में जी क्या सिनेरियोज आ रहे हैं हमारे पास? पॉलिटिकल में आ रहे होते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसको एक मिनट जरा, यस सही, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्स रेट्स या टैक्स पॉलिसीज आप इसमें कह लें जी, इकोनॉमिक पॉलिसीज आ रही होती हैं इसके अंदर हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स आ रहे होते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन आ रही होती है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ रहा होता है जी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल में हमारे पास क्या चीजें आ रही होती हैं? इकोनॉमिकल में जी हमारे पास आ रहा होता है इंटरेस्ट रेट्स, टैक्स रेट्स, इकोनॉमिक सिचुएशन। इकोनॉमिक सिचुएशन क्या हो सकती है? इकोनॉमिक सिचुएशन मींस के क्या हम लोग बूम पे जा रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपर जा रही है, रिसेशन आया हुआ है, क्या सिनेरियोज हैं, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज कंट्री की, ये फैक्टर जो हैं वो हमारे आ रहे होते हैं इसमें इकोनॉमिकल में जी। सोशल में जी हमारे पास जी रिलीजियस ट्रेंड्स हमारे क्या हैं? अच्छा जी, पीपल टेस्ट, फैशन ट्रेंड्स, फैशन ट्रेंड्स आ गए। अच्छा, और क्या इसके अंदर आ जाते हैं जी? इसके अंदर डेमोग्राफिक्स आ जाते हैं। डेमोग्राफिक्स में क्या चीजें आ जाती हैं जी? बर्थ रेट आ गया आपका, डेथ रेट हो गया, डेथ रेट्स आ गए जी, जेंडर्स का आ जाता है इसके अंदर कि जी मेल्स ज्यादा हैं सोसाइटी में, फीमेल्स ज्यादा हैं, यूथ ज्यादा है क्या, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इकोलॉजिक, टेक्नोलॉजिकल जी, इसके अंदर आईटी रिलेटेड स्टफ आ जाता है जी, के आईटी लिटरेसी सोसाइटी में कैसी है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट कैसा है,
अच्छा जी, इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल में जी एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं जी, जैसे कि एनवायरमेंट पोल्यूशन रेट क्या है, ठीक है। अच्छा जी, ग्रीन प्रोडक्ट्स, ग्रीन प्रोडक्ट्स अवेयरनेस क्या है सोसाइटी में, ये सारी चीजें। और लीगल में जी बात आ जाती है लॉज रिलेटेड, जैसे कि जी एम्प्लॉयमेंट लॉ, डेटा प्रोटेक्शन लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है अब इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जी लीगल में और पॉलिटिकल को कहते हैं कि यार ये दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं इन दोनों को जरा कंपेयर करें। लीगल में जो है वो लॉ से रिलेटेड बात की जाती है, जबकि पॉलिटिकल में हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्स रेट्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट्स पॉलिसीज, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये चीजें आ रही होती हैं, इसका हमें ख्याल रखना है। अच्छा, हमने ये पेस्टल का मॉडल एग्जाम में लगाना था, जब वो एग्जाम में कह जी डिस्कस अबाउट दी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, या वो आपसे बाकायदा पेस्टल का बोले रिक्वायरमेंट में, तब आप इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। मजीद नेक्स्ट मॉडल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।